हे गाइस, दिस इज भीमसेन माही एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा झारखंड का सबसे बड़ा अर्थात विश्व का दूसरा सबसे बड़ा शिवलिंग गिड़ी में स्थित श्री हरिधाम बगोदर को। तो दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी हम लोग डुमरी मोड़ में हैं और यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर दूर है हरिहरधाम का मंदिर। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों, हम लोग बगोदर पहुंच गए हैं। अब यहां से बाएं मुड़ जाना है रांची हजारीबाग रोड में और यहां से लगभग 1 किलोमीटर दूर है बाबा हरिहरधाम का मंदिर। तो चलिए चलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, यह शिवलिंग इतना बड़ा है कि रोड से ही दिखने लगता है। अब यहां से लेफ्ट ले लेना है क्योंकि मेन गेट का रास्ता यहीं से जाता है। तो चलिए देखते हैं। हेलो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी हम लोग हरिहरधाम मंदिर आ चुके हैं और यहाँ देखेंगे क्या है कि नहीं। जैसे आप हमारे पीछे का व्यू देख रहे हैं, ये जो शिवलिंग है, हम यहाँ मंदिर में आ चुके हैं और यहाँ जो बाबा रहते हैं उनसे बात करेंगे और इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए हमारे साथ पूछते हैं, आइए देखते हैं। बाबा, आप इसी मंदिर में रहते हैं जी? आप क्या करते हैं बाबा? यहाँ हम प्रबंधक के पद पर हैं और भी जितने तरह के काम हैं उस सभी कुछ करना पड़ता है। जो वक्त पर जो ज़रूरत पड़ा वो काम करना पड़ता है। तो ये पूरा मंदिर देखभाल आप ही करते हैं बाबा? जी जी। तो आप कितने साल से यहाँ रह रहे हैं बाबा? यहाँ हम 27 वर्षों से रह रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो बाबा हरिहरधाम का जो मंदिर है, ये शादी के लिए ज़्यादा फेमस है? हरिहरधाम मंदिर तो ऐसे प्रकृति का एक अद्भुत छटा है, एक प्रकृति का, धरती का अलग हिस्सा है। हरिहरधाम मंदिर का जो शिवलिंग है उसका ऊंचाई 65 फीट है। अभी तो बहुत सारा मंदिर बन गया, इसका नकल हो रहा है, लेकिन विश्व में ये अनोखा है। विश्व में दूसरा स्थान है सुंदरता में, बड़ा में और बड़ा में भी, विशालता में भी इसका मुकाबला अन्य कोई मंदिर आज तक नहीं कर सका। विश्व का अनोखा मंदिर है, प्रकृति का एक अलग हिस्सा है ये। यहाँ इसके चारों ओर नदी है, चारों ओर नदी है, इसके चारों तरफ नदी है, बीच में रोड है और ये हरिहरधाम यहाँ अवस्थित है, जो कि बहुत प्राचीन समय में ये शमशान घाट हुआ करता था। यहाँ संत पहले अमरनाथ मुखोपाध्याय इस शमशान में अलख जगाकर 40 वर्षों तक घोर तपस्या करने के बाद यहाँ शिवलिंग का स्थापना किए और इसके बाद यहाँ भक्तों का आना जाना शुरू हो गया, पूजा पाठ होना शुरू हुआ। राधा कृष्ण का पूजा, बजरंगबली का पूजा, शंकर भगवान का पूजा और शादी विवाह के लिए तो खैर प्रसिद्ध है। शादी विवाह यहाँ सालाना ऐसे तो पहले ज़्यादा होता था, लेकिन अब शादी का दर कुछ कम होता जा रहा है क्योंकि बहुत सारा मैरिज हॉल खुल रहा है। फिर भी अभी 1500 जोड़ा लगभग यहाँ शादी
प्रतिवर्ष हो जाता है, कुछ कम या कुछ ज़्यादा, लेकिन लगभग एक आंकड़ा यही है। और ये मंदिर परिसर का सिर्फ जो है, सिर्फ मंदिर परिसर, बगीचा से लेकर के ये नदी किनारे तक का बाउंड्री वाल लगभग 15 एकड़ में है। कुछ ज़मीन इसका बाहर में है, लगभग 6 एकड़। टोटल 21 एकड़ 78 डिसमिल हरिहर धाम मंदिर का जमीन है, जो कि बाबा अमरनाथ मुखोपाध्याय के नाम से रजिस्टर्ड है। वो मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी शंभुनाथ रे। चटमंगनी पट बिहा के लिए प्रसिद्ध है यह धाम। दोस्तों, यह दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां होने वाली शादियां हर दूसरे साल अपना ही रिकॉर्ड तोड़ देती है। शिवलिंग की ऊंचाई लगभग 65 फीट है और इसे बनाने में लगभग 30 साल लगे हैं। इस शिवलिंग के बगल में हनुमान जी का मंदिर भी स्थापित किया गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, यह मैरिज हॉल है जो काफी पुराना हो गया है। देख रहे हैं, यहाँ रसीद बनाया जाता है। जब कोई गाड़ी पूजन या शादी करता है तो रसीद बनाना आवश्यक होता है। दोस्तों, यहाँ के लोग बताते हैं कि हरिहर धाम की प्रसिद्धि अब शादी विवाह के निपटारे को लेकर लगातार बढ़ रहा है। यहाँ पर देश विदेश से भक्त श्रावण मास की पूर्णिमा को इस मंदिर में भगवान शिव के दर्शन करने आते हैं। इसके अलावा पर्यटक यहाँ पर सालों भर आते रहते हैं। तो दोस्तों, हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो आए और आपको पता चले। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।